क्लास 7th के कंप्यूटर में जो हम लोगों का सेकंड चैप्टर चल रहा था फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस इन एक्सेल, उसकी आज हम लोग तीसरी वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस, मतलब कितने तरीके के रेफरेंसेस होते हैं एक्सेल में। आज हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे। तो मेनली तीन तरीके के रेफरेंसेस होते हैं एक्सेल में, जो हैं रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स्ड रेफरेंस। तो जो पहले टाइप का रेफरेंस है रिलेटिव रेफरेंस, अ रिलेटिव सेल रेफरेंस इन अ फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सेल दैट कंटेन्स द फॉर्मूला। जो रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है वो उसका काम क्या होता है, वो उस फॉर्मूले की रिलेटिव पोजिशन को रिलेटिव पोजिशन के बारे में बात करता है, रिलेटिव पोजिशन पे ही बेस्ड होता है, डिपेंड होता है। ठीक है, जिस भी फॉर्मूले को हम लिखते हैं किसी सेल के अंदर, तो उस सेल की जो पर्टिकुलर पोजिशन है, उस सेल की लोकेशन है, उस लोकेशन के हिसाब से, उस पोजिशन के हिसाब से ही वो फॉर्मूला एक्ट करेगा। ठीक है, अगर हम उस फॉर्मूले को एक जगह से दूसरी जगह हटाकर चेंज कर देते हैं या कॉपी पेस्ट करते हैं, तो जो नई जगह पे पेस्ट होगा वो फॉर्मूला उस लोकेशन के हिसाब से काम करेगा। If the position of the formula changes to another cell, the reference also changes. अगर हम formula की position एक जगह से दूसरी जगह change करते हैं, एक cell से दूसरे cell में, तो उसका reference भी क्या हो जाएगा, change हो जाएगा। For example A1, अब मैं आप लोगों को example दिखाता हूँ। ये है हम लोग का example, ठीक है, ये absolute reference, relative reference का example है। अब ये एक तरफ subjects लिखे हुए हैं, ये subjects लिखे हुए हैं, एक तरफ term first है, एक तरफ टर्म सेकंड है और दूसरी तरफ क्या टर्म थर्ड। मुझे क्या करना है, टर्म फर्स्ट के सारे सब्जेक्ट्स का टोटल करना है यहाँ पर, और टर्म सेकंड के सारे सब्जेक्ट्स का टोटल करना है यहाँ पर, और टर्म थर्ड के सारे सब्जेक्ट्स का टोटल करना है मुझको यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं इसका टोटल करूंगा रिलेटिव रेफरेंस का यूज करके। कैसे, ये देखिए फॉर्मूला लिखूंगा मैं इसमें, क्या इक्वल्स टू सम, और कहां से कहां तक, ये जो मेरा है ये क्या है सी, ये क्या है ये C3, और C3 से लेके C8 तक, तो C3 कॉलोन C8, ये क्या मैंने ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मैं क्या करूंगा सीधे इसको क्या करूंगा एंटर। अब आप लोग फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, फॉर्मूले में क्या लिखा है, इक्वल्स टू सम, टोटल मतलब सबका सम करने के लिए C3 से लेके C8 तक मैंने किया एंटर, ये क्या आ गया इन सबका टोटल आ गया, टोटल कितना है 368। अब यही टोटल अगर मुझको कहाँ करना होगा, इस पे टर्म सेकंड के लिए और टर्म थर्ड के लिए, तो मैं क्या करूँगा इस पे क्लिक किया, इसको मैंने किया कॉपी, और यहाँ जाके मैंने क्या कर दिया इसको पेस्ट। पेस्ट करने पे क्या आ गया, यह कितना आ गया इसका टोटल 387। उसी तरीके से मैं यहाँ पे नेक्स्ट में क्या करूँगा पेस्ट, पेस्ट करने पे क्या आ गया मेरा, पेस्ट करने में मेरा क्या है, टर्म थर्ड का 407 और टर्म सेकंड का 387। अब मैं इसको आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ। अब आप लोग इधर ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। तो ये फॉर्मूला क्या बना, ये फॉर्मूला बना इक्वल्स टू सम D3 से लेके D8 तक, बन गया D3 से लेके D8 तक। ठीक है, और जो नेक्स्ट का फॉर्मूला है ये 407 वाला, उसका फॉर्मूला क्या बना, सम E3 से लेके E8 तक। क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से रिलेटिव रेफरेंस का फॉर्मूला चेंज होता है अगर हम उसकी पोजीशन चेंज कर दे। तो मैंने पहले इस जगह पे फॉर्मूला लिखा, पोजीशन चेंज करके मैंने इधर लिखा, फिर मैंने उसको इधर चेंज किया, तो जिस हिसाब से मैंने फॉर्मूले की जगह चेंज करी, पोजीशन चेंज करी, फॉर्मूले का रेफरेंस भी चेंज हो गया। ये तो हमारा रिलेटिव रेफरेंस। नेक्स्ट हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट का मतलब होता है फिक्स, जो एक जगह पे फिक्स हो जाए, चिपक जाए, स्टिक हो जाए, रुक जाए। Putting a dollar sign before the column letter and row number makes the reference absolute. मतलब कॉलम लेटर और रो नंबर के आगे अगर हम डॉलर साइन लगा देते हैं तो वो रेफरेंस कैसा बन जाता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस। इन एब्सोल्यूट रेफरेंस द रेफरेंस ऑफ सेल डज नॉट चेंज विद द चेंज इन पोजिशन ऑफ फॉर्मूला। एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होता है, अगर एक सेल में फॉर्मूला लिखा हूँ, उस सेल को फॉर्मूले को दूसरी जगह पे कॉपी पेस्ट करता हूँ या पोजीशन उसकी चेंज करता हूँ, तो पोजीशन चेंज करने के साथ साथ उसका जो रेफरेंस है वो चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये एब्सोल्यूट रेफरेंस है, फिक्स है एक जगह पर। फॉर्मूला क्या है, डॉलर ए डॉलर वन, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। नेक्स्ट हमारी शीट ये नेम लिखे हैं एक जगह पर, ठीक है, एक जगह पे मैंने इन नेम के हिसाब से इनकम लिखी है, और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इनकी इनकम के हिसाब से टैक्स अमाउंट कि कितना टैक्स ये पे करते हैं। अब एक जगह मैंने लिखा है टैक्स परसेंट, और टैक्स परसेंट मैं मान लेता हूँ 10% मान लिया। क्लियर, आई होप आप लोगों को ये दिख रहा होगा 10%।
अब मैं कह रहा हूँ 10% के हिसाब से इनकी इनकम का मैं टैक्स निकालूंगा, तो क्या करूंगा, मेरा फॉर्मूला आएगा। हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिखेंगे, हम लोग इक्वल्स टू, और ये कौन सा सेल है, बी और फोर, तो लिखा बी फोर मल्टीप्लाइड बी, बी फोर लिखने पे सेलेक्ट हो गया। और ये कौन सा है, जी, ये 10% वाला कौन सा है, जी टू, तो डॉलर जी डॉलर टू। अब डॉलर जी डॉलर टू मैंने क्यों लिखा है, डॉलर जी डॉलर टू लिखने से क्या होगा, ये मेरा हो जाएगा एब्सोल्यूट और दूसरा बी फोर क्या है, रिलेटिव। अब जब भी मैं इसको एंटर करूंगा तो क्या वैल्यू आ गई, 1500। अब मैं इसको इसको नीचे की तरफ देखिए, मैं इधर साइन बनाएगा प्लस, इसको मैं ड्रैग करूंगा नीचे की तरफ, तो ये जो मेरी वैल्यू है, ये मैं जूम करके दिखाऊंगा आप लोगों को, तो ये जो लास्ट की वैल्यू है एब्सोल्यूट, ये तो चेंज नहीं हुई, लेकिन जो रिलेटिव में रखी थी बी फोर मैंने, वो बी फाइव हो गई। नेक्स्ट पे क्लिक किया तो बी सिक्स हो गई, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये बी सेवन हो गई, इस तरीके से चेंज होती रहेगी, क्लियर है। और नेक्स्ट है इसके बाद हमारा मिक्स्ड रेफरेंस। अ मिक्स्ड रेफरेंस हैज आइदर एन एब्सोल्यूट कॉलम एंड रिलेटिव रो, और एब्सोल्यूट रो एंड रिलेटिव कॉलम, मतलब मिक्स्ड रेफरेंस क्या है, आपका रिलेटिव और एब्सोल्यूट का कॉम्बिनेशन है। अब जिसमें आपकी या तो कॉलम एब्सोल्यूट होगी, अगर कॉलम एब्सोल्यूट है तो रो आपका रिलेटिव, अगर रो एब्सोल्यूट है तो कॉलम आपका रिलेटिव, यही दो चीज चलेंगी इसमें। जैसे कि डॉलर ए वन, अब डॉलर ए वन में क्या है, डॉलर ए मतलब कॉलम आपका एब्सोल्यूट, कॉलम एब्सोल्यूट हुआ तो रो क्या हुई, रिलेटिव। और ए डॉलर वन, ए डॉलर वन में ए जो है कॉलम, कॉलम आपकी क्या है, रिलेटिव, और डॉलर वन क्या है, वन क्या है आपका रो, रो हो गई आपकी एब्सोल्यूट। नेक्स्ट मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल मैंने एक जगह लिख दी लेंथ, एक जगह लिख दी मैंने ब्रेथ, क्लियर। और लेंथ को मैं कलर दे देता हूँ ये, और ब्रेथ को मैं कलर दे देता हूँ ये, क्लियर है। और जो मेरी नई जो यहाँ पे वैल्यूज आएंगी उसका मैं कलर डिसाइड कर देता हूँ ये अच्छा कलर लग रहा है, ये कलर डिसाइड कर दिया मैंने, क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पे जो मैं फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक, उसमें फॉर्मूले में क्या होना चाहिए, मतलब सी फोर, ठीक। अब जब जब लेंथ मेरी यहाँ से नीचे आएगी तो कॉलम तो मेरा सेम रहेगा, और बदलेगा क्या मेरा, केवल रो, तो यहां पर कॉलम सेम और रो चेंज होगी, तो कॉलम क्या हो गई एब्सोल्यूट और रो क्या हो गई रिलेटिव। इस तरीके से जब इसमें आऊंगा तो रो क्या हो गई एब्सोल्यूट, रो सेम और कॉलम चेंज होते रहेंगे, तो इसका मतलब इक्वल्स टू पहले कॉलम इसके लिए लेंथ के लिए, तो सी रिलेटिव, और जो रो है सॉरी जो आपका डॉलर सी, कॉलम क्या हो गया आपका सी, ये एब्सोल्यूट, और रो क्या है आपकी फोर इसके लिए, तो फोर ये रिलेटिव आपकी क्या हो गई रो मल्टीप्लाइड भाई। अब क्या लिखना है आपको, रो आपकी एब्सोल्यूट और कॉलम आपका रिलेटिव, तो डी और डॉलर थ्री, और यहाँ पे मैं करूँगा एंटर, और एंटर करते क्या हो गया 10 to the 20, लेंथ ब्रेथ का मल्टीप्लाई हो गया। अब इसी तरीके से मैं ये देखिए, ये मैं आगे बढ़ा के ले गया तो क्या हो गया 40, 60, 80, क्लियर। नीचे लेकर आया तो क्या हो गई, ये वैल्यूज बढ़ गई, सब मल्टीप्लाई हो गई। समझ में आप लोगों को मिक्स्ड रेफरेंस किस तरीके से काम करता है, जिस चीज को हमें नहीं बदलना उसके आगे डॉलर का साइन लगा दो, जिस चीज को नहीं बदलना, जिस चीज को बदलना है उसके आगे कोई साइन मत लगाओ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।